वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो इन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CE&T सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सिखाऊंगा मैं हाउ टू कन्वर्ट एंड हाउ टू मेजर। किस क्या करना है मेजर, आपको करना है इंच। फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है, जो रेइनफोर्समेंट होता है हमारे पास, जो सरिया होता है या फिर कहीं पर मेजरमेंट होती है, वहाँ पर क्या लिखा रहता है, आधा इंच। क्या लिखा रहता है वहाँ पर, आधा इंच लिखा रहता है। ठीक है, तो ये सभी बताऊँगा मैं आज इसमें वीडियो। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो सबसे क्या होता है मेजरमेंट में, सबसे पहले हमें देखना है एक इंच कहाँ पे होता है। यहाँ पे ये फ्रेंड्स एक इंच होता है, टू से थ्री तक ये क्या हुआ, वन इंच। और वन इंच यहाँ पे क्या लिखा रहता है, वन बाई सिक्सटीन। इसमें वन बाई जीरो से सपोज कीजिए वन बाई वन से ए इंच तक है, जिसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ये कितने होते हैं, सिक्सटीन होते हैं। देखिए मेरे पास एक टेप है, इसमें सिक्सटीन होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन। ओके, तो ये सिक्सटीन ही है, तो इसमें सिक्सटीन होते हैं। अगर आपके पास कहीं पे भी अगर ये लिखा रहता है वन बाई टू, सपोज कि मैं शुरू स्टार्टिंग से लिख देता हूँ, ओके वन बाई सिक्सटीन। ओके, और अगर ये क्या है आपका वन बाई सिक्सटीन है, ये क्या है पॉइंट टू बाई सिक्सटीन, टू बाई सिक्सटीन, ये क्या है थर्ड, थर्ड बाई सिक्सटीन। ठीक है, अगर ये क्या है फोर्थ, फोर्थ बाई सिक्सटीन। तो मैं ऐसे ही सबसे पहले मैं सभी को ऐसे लिख देता हूँ, तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा अभी सभी, ये क्या चीज़ है, ये क्या है इंच है, वन बाई सिक्सटीन क्या है, ये इंच है। अगर कहीं पे भी आपको लिखा हुआ है वन बाई सिक्सटीन इंच, तो उसको आप मेज़र कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट आप ये फेदा रखेंगे आप यहाँ पर, अगर वन बाई सिक्सटीन लिखा हुआ है तो यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है, वन बाई सिक्सटीन ये, तो डायरेक्ट आप मेज़र कर लेंगे ये चीज़ पॉइंट। ठीक है, इतना सा पॉइंट आप मेज़र कर लेंगे। अगर आपको लिखा है वन बाई, सपोज कीजिए वन बाई फोर्थ लिखा है, वन बाई फोर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, वन वन बाई फोर्थ, अगर आपके पास लिखा है वन बाई फोर्थ, ये क्या लिखा हुआ है, इंच लिखा हुआ है, वन बाई फोर्थ इंच, तो वन बाई फोर्थ का मतलब क्या हुआ आपके पास, वन टू थ्री फोर, सबसे पहले देखना है इसमें कितने, एक इंच में कितने होते हैं ये, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ओके, तो वन बाई फोर, तो वन बाई फोर को हमने क्या क्या किया है, चौथा हिस्सा है, तो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे मेजर, इसको मेज़र करेंगे वन बाई फोर को। ठीक है, तो मैं अभी साबित करता हूँ इसमें कि आपको क्या क्या करना है। पहले सभी को आपको देखिए टेबल बना लीजिए, टेबल बनाने के बाद सभी को नोट कर लेना है, फाइव बाई सिक्सटीन सी बाई सिक्सटीन, ओके सिक्स वो सेवन, सेवन बाई सिक्सटीन, एट बाई सिक्सटीन, नाइन बाई सिक्सटीन। तो आप इसको क्या करना है, तो अगर आपके पास ये टेबल है, ये आपको इंच में लिखा हुआ है, ठीक है, ये कहीं पे भी आपको इंच में हो सकता है, आपको ऐसे भी दे सकता है वो वन बाई सिक्सटीन इंच, ऐसे भी दे सकता है, सॉरी वन बाई फोर इंच। ओके, तो वन बाई फोर इंच ऐसे भी दे सकता है वो आपको, तो इसका क्या मतलब है, आप उसको कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो अभी पूरे डिटेल बताऊँगा मैं सभी को आपको, नाइन टेन बाई सिक्सटीन, इलेवन बाई सिक्सटीन, इलेवन ट्वेल्व बाई सिक्सटीन, उसके बाद आपका थर्टीन बाई सिक्सटीन, और फोर्टीन बाई सिक्सटीन, फिफ्टीन बाई सिक्सटीन, और सिक्सटीन बाई सिक्सटीन। ये क्या है, सभी आपके पास है इंच है, ठीक है, ये अभी आपके पास कभी क्या है इंच है। तो आपने यहाँ पे क्या किया था, वन बाई फोर्थ इंच है, वन बाई फोर्थ कैसे आएगा आपके पास, वन बाई फोर्थ यहाँ पे देखिए वन बाई सिक्सटीन आ गया है, वन बाई सिक्सटीन, ठीक है, टू बाई सिक्सटीन, टू से क्या किया वन, और ठीक है ये क्या आपके पास है वन बाई एट भी है, ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है चार सौ सोलह, चार सौ सोलह, चलिए ये क्या आपके पास वन बाई फोर, ये क्या आपके पास वन बाई फोर इंच है। तो फोर बाई सिक्सटीन, फोर बाई जो सिक्सटीन है, वन बाई फोर्थ इंच है आपके पास। तो इसमें आपके पास क्या है इंच में, वन टू थ्री फोर, जो आपने क्या किया मेज़र किया आपने टेप से, ये किया वन वन टू, सॉरी वन टू थ्री एंड फोर, ये फोर्थ हो गया, यहाँ पे ये फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ बाई सिक्सटीन है ये, तो फोर्थ बाई सिक्सटीन है, तो इसको क्या किया वन बाई फोर, वन बाई फोर इंच हो गया है, वन बाई फोर इंच है ये जो पॉइंट आपके पास वन बाई फोर इंच है। ठीक है, अगर आप कभी मेजर करेंगे तो ये क्या करेंगे, आप मेजरमेंट करेंगे फीते में, तो वन बाई फोर इंच है। अगर लिखा रहता है वन बाई टू इंच, तो सीधा वन बाई टू, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट
1/2, तो आप क्या जाएंगे 8 पॉइंट पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये क्या आपके पास 8 पॉइंट है, तो क्या हुआ ये 1/2 इंच। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रेनफोर्समेंट होता है, सरिया होता है, मोस्टली क्या होता है वो, आपका जो रेनफोर्समेंट होता है मोस्टली किस में होता है, वो इंच में होता है, वो मिलीमीटर में होता है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है 1/16 इंच, तो इसको क्या करेंगे आप, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वन बाई, फ्रेंड सबसे बात याद रखना कि जो आपको मैं फॉर्मूला देता हूँ, 1 इंच जो होता है 8 सूत के बराबर होता है, ठीक है, और 1/2 इंच होता है, जो 1/2 इंच हो गया वो क्या होगा, 1/16 इंच, ठीक है, 1/16 इंच, तो क्या होगा 0.5 सूत, तो 1/1 इंच है वो 8 सूत के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना फ्रेंड्स, ये याद रखना कि जो 1 इंच होता है उसमें 8 सूत होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और जो ये आता है वो आधा सूत होता है, ये आधा होता है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, तो 1 इंच में 8 सूत हो गए, ठीक है, तो 1 इंच में होंगे वो 1/2 इंच में होंगे आपके 1/2, ये इंच है, 1/2 इंच है, इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास 4 सूत। ये वीडियो बना चुका हूँ मैं सूत के ऊपर, मुझे आपको क्या करना है, आपको बस ये समझाना है कि जो आपका डाया होता है, सरिया का रेनफोर्समेंट है, सरिया है, कहीं पर भी कुछ लिखा रहता है, अगर 1/16 है इसका क्या मतलब है, अगर 1/16 इंच है तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, ओके, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं 1/16 इंच को, आपने क्या सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए, तो 1/16 इंच, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2/16, 3/16 और 4/16, तो मैं सभी का आपको ये कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं आपको कहीं भी आपको लिखा होगा आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, डायरेक्टली आप मेजरमेंट कर लेंगे, यहाँ पे 5 से 6 तक ये इंच है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, ओके, तो ये आपके 16 तक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 16 तक आपको इसको टेबल बना लीजिए एक, ठीक है, 7/16 और 8/16, 2/16 है, इसको क्रॉस कर लीजिए डिवाइड 1 और 8, तो ये क्या होगा आपके पास 1/8, ठीक है, ये क्या है 1/16, ठीक है, और ये एज इट इज, तो इसमें और क्या कट हो सकता है 4 × 16, तो ये 1/4, ये क्या है इंच है, ठीक है, ये भी आपके पास इंच आ गया, ये भी इंच हो गया, उसके बाद क्या कट हो सकता है आपके पास, ये क्या है 2 × 6, 2 × 16, तो यह 3/8 इंच, ठीक है, और क्या कट छोड़ सकता है ये, ठीक है, 8 × 16, तो ये क्या है 1/2 इंच, तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है 8/16 या फिर ये नहीं लिखा रहता है, ये लिखा रहता है 1/2 इंच है, तो 1/2 इंच है, तो आप क्या करेंगे 8/16 या फिर 1/2, सीधा 1 इंच है, ये इंच है, इसको आधा कर लेंगे पॉइंट ये, ठीक है, तो ये सीधा मेजरमेंट कर लेंगे फिर किसी भी डाया पे, तो 1/2 इंच है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप पॉइंट में, पॉइंट में क्या करेंगे 1/2, क्योंकि वो आधा इंच चाहिए, तो क्या किया आपने 0.25 इंच बना लिया है, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया आपने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको 1 इंच = 25.4 mm मिलीमीटर होते हैं, ओके, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ पे गुना कर दीजिए बस 25.4 मिलीमीटर, तो इंटू 25.4 = 12.7 मिलीमीटर, ठीक है, तो वो आपको 12.7 मिलीमीटर पर जो आपका सरिया आता है, रेनफोर्समेंट आता है, वो कितने mm का होता है 12 mm का, तो आपका जो ये हुआ 12 मिलीमीटर, ठीक है, जो आपका सरिया होगा 12 mm का डाया होगा, अगर कहीं पे आपको लिखा रहता है आधा इंच 1/2 इंच, तो उसका क्या मतलब है आपका जो सरिया है 12 mm का है, ठीक है, चलिए, अगर कहीं पे जो मेजरमेंट आपको एक्चुअल मेजरमेंट चाहिए तो वो आपकी 12.7 मिलीमीटर आएगी, ठीक है, अगर वो आपको डाया, अगर आपको डाया दे देता है 1/2 इंच, तो इसका मतलब आपको 12 mm का आपको सरिया है, ठीक है, उसके बाद आपको इसमें भी आप डायरेक्टली सभी को कन्वर्ट कर लेंगे, सभी को ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, आपको कहीं पे भी जो भी लिखा हुआ है 1/16 लिखा हुआ है, अगर बाई 1/16 लिखा हुआ है तो इसको उला कर लीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, तो 0.0625 ये आपका पास इंच है, तो गुना कुछ नहीं करना है, बस आपको गुना कर देना है डायरेक्टली 25.4
ये क्या है मिलीमीटर, एक इंच में होते हैं 25.4 मिलीमीटर, तो डायरेक्टली क्या गुना किया आपने, गुना कर दीजिए बस डायरेक्ट 25.4 मिलीमीटर, तो ये क्या हो गया 1.5875, ये क्या आपके पास मिलीमीटर, ठीक है। अगर आपके पास कहीं पे सपोज कीजिए 1/4 इंच लिखा हुआ है, ये क्या हुआ 0.25 इंच, ये 1/4 इंच हो गया, ठीक है, चौथे हिस्से का एक हिस्से का चौथा पार्ट, ठीक है, तो ये क्या हुआ 1/4 इंच, तो 1/4 इंच को डायरेक्टली आपको क्या करना है 1/4 इक्वल टू 0.25, तो ये क्या है 0.25 इंच है, मतलब 1/4 इंच है, तो इसको डायरेक्टली आपको चाहिए मिलीमीटर में, तो क्या करना है 25.4 मिलीमीटर, तो इक्वल टू इंटू 25.4 इक्वल टू 6.35 मिलीमीटर, ठीक है। अगर आपकी कोई मेजरमेंट है तो वो आपकी 60.35 मिलीमीटर में आएगी, अगर वो आपको सरिया दे देता है, अगर आपको सरिया दे देता है, वो क्या है 6 mm का सरिया है, जो डाया है ऑफ द बार, डाया ऑफ द बार क्या है 6 mm का, क्योंकि वो डायरेक्टली पॉइंट में तो समथिंग दे नहीं सकता है, तो वो इसमें दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका 1/2 इंच का भी हो गया, 1/4 इंच का हो गया, 1/2 इंच का हो गया, उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है आपको अगर आपके पास 3/16 है, तो 3/16 को क्या करेंगे 3/16 ओके 0.1875, इसको डायरेक्टली गुना कर दिए, क्या है आपके पास इंच आ गया है, बस ये क्या है आपको रेशियो में दिया हुआ है, ये क्या है आपको पॉइंट में आ गया है कन्वर्ट करने के लिए, उसको डायरेक्टली गुना करना है आपको बस मिलीमीटर में, कितना 25.4, ठीक है, तो 0.1875 इंटू 25.4 इक्वल टू 4.76, ये क्या है मिलीमीटर है, ठीक है। उसके बाद इंच और क्या होता है, इंच एक सबसे ज़्यादा लिखा रहता है 3/4 इंच, 3/4 इंच भी लिखा रहता है, ठीक है, 3/4 इंच है, इसको आप मेजरमेंट कैसे करेंगे फीते में, 3/4 इंच है, ये इंच है आपका, ठीक है, ये यहाँ से एंड यहाँ तक क्या है आपके पास 1 इंच है, ये क्या है आपके पास 1/2 इंच है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास एंड ये देखिए यहाँ से क्या हुआ 0, ये क्या हुआ 1, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके पास 1/4 और ये क्या हुआ 3/4, ठीक है, 1/4 2/4, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सब, ठीक है, ऐसे टेबल बना लीजिए, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ये क्या 3/16, ये क्या है 4/16, ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे आप तो 4/16, इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे 4×16, तो ये क्या हुआ 1/4, ठीक है, जो ये पॉइंट है 1/4, ये क्या है 1/2, ये क्या है 3/4, ठीक है, 12 4 4 12 और 4 16, तो 3/4 हो गया ना डिवाइड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो 12 हो गया, 3/16 इंच है, ये इंच है, तो ये 1 इंच, ठीक है, तो 3/4 इंच लिखा हुआ है, इसको डायरेक्टली क्या करना है आपको, बस 3/4 इंच है, तो डायरेक्टली क्या करना है वो पॉइंट बना लीजिए, 0.75 क्या है इंच, ठीक है, मिलीमीटर में चाहिए 25.4, तो बस गुना डायरेक्ट कर दीजिए 0.75 इंटू 25.4 इक्वल टू 19.05, ये क्या है मिलीमीटर में, ठीक है। अगर आपके पास कहीं पे भी मेजरमेंट लिखी होती है, सपोज कीजिए 2 फीट 4 इंच ये लिखा रहता है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करना है आपको, सिंपल करना है 2 फीट ऐसे एज इट इज, ठीक है, प्लस ये क्या है 3 इंच प्लस 1/4 इंच है, 1/4 इंच का मतलब क्या आपके पास 1/4, देखिए 3 इंच यहाँ पे आपका 3 इंच है, 1/4 क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया 3 इंच आ गया, यहाँ पे आपने क्या किया शुरू किया, ये क्या है 0, ये क्या आपके पास 3 इंच है, ठीक है, 1/4 इंच है आपके पास ये चीज़, ये तो ये आपके पास मेजरमेंट आ गई यहाँ से यहाँ तक 3 इंच और 1/4 सॉरी 3/1/4 इंच, ठीक है, ये आपके 3/1/4 इंच है, ठीक है, ये क्या है 1/2, ये क्या है 3/4, ये क्या है 1 और ये क्या है 1/4, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, अब मेजरमेंट डायरेक्ट कर लेंगे आप, इसको आप चाहते हैं मिलीमीटर में, तो 2 × 12 ये फीट बना लिया मैंने, इसको भी इंच में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो प्लस ये क्या है 3 इंच है, 3 इंच है प्लस, ओके ओके प्लस, तो 1/4 इंच है, तो इसको क्या कर लेता हूँ मैं पॉइंट में,
तो 1 बाई फोर को डिवाइड किया, 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0.25, तो 0.25 इक्वल टू कितना हो जाता है, चलिए 12 दूनी 24 और ये 3 और 0.25 3.25, ठीक है। तो ये टोटल कितना इंच हो गया है देख लीजिए, 24 प्लस 3.25 इक्वल टू 27.25, तो 27.25 क्या है इंच आ गया है, ठीक है। बस अगर चाहते हैं कि इसको क्या करना, आपको क्या चाहिए, आपको फिट में चाहिए तो 12 से फिट कर दीजिए, ये फिट में निकल जाएगा, पॉइंट में निकल आएगा आपकी कैलकुलेशन मेजरमेंट किसी भी करने के लिए, ठीक है। मिलीमीटर में चाहिए 27.25 इंटू 25.4, ओके, इंटू 25.4 इक्वल टू 692.15, ये क्या है मिलीमीटर में। आपको चाहिए क्या मीटर में, तो डिवाइड कर दीजिए सिंपल 1000 से, 1000 से डिवाइड करना है बस, तो क्या आ जाता है 0.692, ये क्या है मीटर, ये आपका मीटर में आ गया, ठीक है। ये आपका मिलीमीटर में, मिलीमीटर आपको मेजरमेंट कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए क्या आ जाना पड़ता है मीटर में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो थैंक यू।